गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू स्टडी लाइट, मेकिंग योर स्टडी लाइटर एंड ईजियर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर वन, कोल्ड वॉर एरा इन जस्ट 5 मिनट्स। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे फुल फॉर्म्स। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स इस चैप्टर में दी गई हैं, मैं आपको वो एक बार डिटेल में बता देती हूँ। फर्स्ट है नाटो, NATO, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड SEATO, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज सेंटो, CENTO, एंड द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज UNCTAD, मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज NIEO, मीन्स न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट इज NAM, NAM, मीन्स नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज PTBT, मीन्स पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट इज NPT, मीन्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स में हुई थी, पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी, और जिनके नाम थे एक्सिस पावर्स एंड अलाइड फोर्सेस। तो हम मेन कंट्रीज देख लेते हैं एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन सी थी। वो थी जर्मनी, इटली और जापान। अलाइड फोर्सेस की कौन कौन सी मेन कंट्रीज थी, वो थी USA, ग्रेट ब्रिटेन, USSR एंड फ्रांस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अलाइड फोर्सेस में USA और USSR एक साथ थे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से कि USSR को इस फोर्सेस से, इस अलाइड से बाहर निकलना पड़ा, और उसने अपना एक अलग से सोवियत ब्लॉक बना लिया था, जो आपने इस लेसन में पढ़ लिया है। तो अलाइड फोर्सेस से अलग होने के बाद सोवियत ब्लॉक में और कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया सोवियत ब्लॉक को, वो थी बुल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा हु कॉल्ड कोल्ड वॉर एज लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल। तो ये कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने। इसे आप याद रखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, जो कि अक्सर आता है एग्जाम्स में। अब जैसा कि हमने देखा कि जो सोवियत ब्लॉक था वो अलग हो गया था, तो इसी तरह से जो वेस्टर्न अलायंस थी, जो USA को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी, उन्होंने अपना एक अलग से वेस्टर्न अलायंस बना लिया था, और उसकी जो 5 जो मुख्य कंट्रीज थी वो थी USA, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और वेस्ट जर्मनी। अब हम आते हैं NAM पर। तो जो इसके फाउंडर्स थे NAM, जैसा कि आपको पता है, NAM जो नाम से ही जाहिर होता है, नॉन अलाइनमेंट, यानी कि ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं थी, ना एक्सिस पावर्स में, ना अलाइड फोर्सेस में, ना उन्होंने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया था, ना उन्होंने वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये किसी भी तरफ नहीं थी, इन्हें हम कहते हैं NAM। लेकिन इन जो ये एक मतलब फाउंडेशन थी NAM, इसके जो फाउंडर्स थे उनके हम नाम जान लेते हैं एक बार। तो जो इनके फाउंडर्स थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया से रहे हैं। नेक्स्ट हैं जोसेफ ब्रोज टीटो, जो थे यूगोस्लाविया से। नेक्स्ट आते हैं गेमल अब्देल नासेर, ये थे इजिप्ट के। और नेक्स्ट है सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन चारों ही नेताओं ने मिलकर NAM की जो फाउंडेशन थी वो रखी थी। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स इस अपने चैप्टर में। कोल्ड वॉर एरा में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जो मेंशन हुई हैं, हम उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले नाटो की जो संधि हुई थी, ये कब हुई थी, हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट है SEATO, इस ट्रीटी पर कब सिग्नेचर हुए थे, इस पर हुए थे September 1954 में। नेक्स्ट है CENTO, इस पर सिग्नेचर हुए थे 24 फरवरी 1955 में। देन PTBT, इसे साइन किया गया था 5 अगस्त 1963 में। और NPT पर सिग्नेचर किए गए थे 1968 में। तो इसके साथ ही हमने अपने देख लिए हैं कोल्ड वॉर एरा के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब हमने एक बार चेक कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।